हाय ऑल, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी टेम्पररी नेल एक्सटेंशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले करना है अपने अपने नेल्स को प्रिपेयर। कोई भी एक्सटेंशन करने से पहले अपने नेल्स को प्रिपेयर करना होता है, जिसके लिए हम कर रहे हैं क्यूटिकल को पुशर की हेल्प से। इसके बाद हम करेंगे ट्रिमिंग क्यूटिकल ट्रिमर की हेल्प से। बहुत ही ध्यान से आपने क्यूटिकल्स को ट्रिम करना है और ध्यान रहे नेल प्रेप आपने कभी मिस नहीं करना है। इसके बाद हम करेंगे नेल्स को कट। कोई भी एक्सटेंशन करने से पहले रियल नेल का जो फ्री एज एरिया होता है उसको पूरी तरह से कट करना होता है। नेल्स कट करने के बाद बनाना बफर की हेल्प से कर देंगे नेल्स को फाइल। एक्सटेंशन आपके नीट और क्लीन दिखे, ज्यादा टाइम तक टिके रहें, आपके जो रियल नेल्स हैं उनको कोई हार्म ना हो, उसी के लिए हम नेल को प्रेप करते हैं। सो यही एक रीजन है नेल को प्रेप करना बहुत जरूरी होता है, आपके नेल प्रेप स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अब हम कर रहे हैं नेल को बफ बनाना बफर की हेल्प से। एक्सटेंशन करने के लिए जो नेल बेड होता है उसका रफ होना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए हम बफरिंग करते हैं। डस्टिंग ब्रश से एक्स्ट्रा डस्ट को रिमूव कर देंगे, देन लिंट फ्री वाइप और टोन से कर देंगे नेल्स को क्लीन। अब हम करेंगे टिप्स को मेजर। नेल के अकॉर्डिंग टिप का साइज मेजर करेंगे। सभी नेल का साइज अलग होता है, इसीलिए टिप भी डिफरेंट साइजेस में आती हैं। आपने वो टिप निकालनी है मेजर करके। ध्यान रहे टिप ना ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। सारी की सारी टिप्स मेजर करने के बाद आप फिंगर वाइज उसे अलग रख देंगे, जिस तरह मैंने इस वीडियो में रखी हुई हैं। उससे पेस्टिंग के टाइम पे आपको बहुत इजी हो जाएगा पेस्ट करना। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे डिहाइड्रेटर। जो शाइन हमने रिमूव की थी वो वापस ना आ जाए, उसी के लिए हम अप्लाई करते हैं डिहाइड्रेटर। अब हम करेंगे टिप्स को पेस्ट, जिसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं शील्स की 401 ग्लू। इसकी सिर्फ एक ड्रॉप हम नेल पर लगाएंगे और उसी को स्प्रेड कर देंगे। और जिस तरह मैं पेस्ट कर रही हूँ उसी तरह आप पेस्ट करेंगे। कोई एयर बबल नहीं रहना चाहिए, नहीं तो टिप अच्छे से पेस्ट नहीं होगी, जल्दी रिमूव हो जाएगी। एक एक करके सभी टिप्स पर ग्लू लगाकर पेस्ट करेंगे। चारों तरफ से आपकी जो टिप है नेल बेड पर अच्छे से पेस्ट हो जानी चाहिए। टिप को पेस्ट करते टाइम अच्छे से प्रेस करें, सो दैट कोई भी एयर बबल होगा भी तो निकल जाएगा। इस तरह से सारी टिप्स पेस्ट करने के बाद अब टिप कटर से कर लेंगे टिप को कट। जो भी जितना भी साइज़ आपके क्लाइंट को चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आप टिप को कट कर लेंगे। अब हम टिप को फाइल करेंगे, शेप देंगे एज़ पर योर क्लाइंट चॉइस। यहाँ हम राउंड शेप दे रहे हैं। नेल फाइल करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ शील्स का बनाना बफर। गाइज, इस वीडियो में जो भी टूल्स और प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम करेंगे टिप को अच्छे से बफ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम शाइनी नेल पर वर्क नहीं करते हैं, हमें रफ़ सरफेस चाहिए होता है एक्सटेंशन करने के लिए, इसीलिए हम करते हैं नेल्स की बफरिंग, सो दैट उसमें जो शाइन है वो रिमूव हो जाए और उसमें एक रफनेस आ जाए, जिससे कि हमें काम करना इजी हो जाए। बफरिंग करने के बाद हम डस्टिंग ब्रश की हेल्प से कर देंगे एक्स्ट्रा डस्ट को रिमूव, और एसीटोन और लिंट फ्री वाइप की हेल्प से हम करेंगे नेल को क्लीन। कोई भी पार्टिकल नहीं रहना चाहिए, नेल को अच्छे से आपने क्लीन करना है। अब हम लगाएंगे बेस कोट। ध्यान रहे आप जब बेस कोट अप्लाई करेंगे तो आपके बेस कोट और आपकी साइड वॉल और क्यूटिकल के बीच में एक हेयर लाइन का गैप होना चाहिए। आपने नोटिस किया होगा मैंने नेल प्राइमर नहीं लगाया है, क्योंकि टेम्प्रेरी नेल एक्सटेंशन में नेल प्राइमर नहीं लगाया जाता। एक एक करके सभी नेल पर आप बेस कोट अप्लाई करेंगे और यूवी एलईडी नेल आर्ट लैम्प में कर देंगे इसको 60 सेकेंड्स के लिए क्योर। अब हम लगाएंगे फर्स्ट कोट जेल पॉलिश का। गाइस, ध्यान रहे जेल पॉलिश हमेशा 2 से 3 कोट में ही लगानी है। ऐसा नहीं करना है कि एक ही बार में आपने जेल पॉलिश भर देनी है और उसके बाद उसे क्योर करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले एक कोट लगाएंगे, देन उसे क्योर करेंगे, देन सेकेंड कोट लगा के क्योर करेंगे, और अगर उसके बाद आपको नीड लगेगी तो आप थर्ड कोट लगाएंगे। साइड्स में अगर जेल पॉलिश लग गई है तो उसे क्लीन करेंगे क्योर करने से पहले, जिस तरह मैं वीडियो में कर रही हूँ। तो फर्स्ट कोट लगाने के बाद आप करेंगे 60 सेकेंड्स के लिए क्योर अपनी जेल पॉलिश को। क्योर करने के बाद मैं लगा रही हूँ सेकेंड कोट। यहाँ मैं शील्स की जेल पॉलिश यूज़ कर रही हूँ। गाइस, शील्स की जेल पॉलिशेस बहुत अच्छी है, उस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ हमने लगा लिया है सेकेंड कोट और हम फिर से 60 सेकेंड्स के लिए क्योर कर देंगे। सो सेकेंड कोट हमारा क्योर हो चुका है। अब हम लगाएंगे टॉप शाइनी कोट। आप चाहें तो टॉप मैट कोट भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ हमने टॉप शाइनी कोट यूज़ किया है। सारे नेल्स पर अच्छे से अप्लाई करेंगे टॉप शाइनी कोट। मेरे चैनल पर मैं आपको दे रही हूँ बेसिक टू एडवांस प्रोफेशनल नेल आर्ट कोर्स की क्लासेस, सो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं नेल आर्ट कोर्स में तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। टॉप शाइन कोट लगाने के बाद हमने कर दिया है 60 सेकेंड्स के लिए क्योर। यूवी एलईडी नेल आर्ट लैम्प पर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। सो हेयर वी आर डन विद टेम्प्रेरी नेल आर्ट एक्सटेंशन। आई होप ये ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। लास्ट में हम अप्लाई करेंगे क्यूटिकल ऑयल।
नेल प्रेप के टाइम पे जो हम क्यूटिकल को कट करते हैं उससे वो बहुत ड्राई हो जाते हैं, उसी के लिए हम क्यूटिकल ऑयल यूज़ करते हैं। क्यूटिकल ऑयल को क्यूटिकल एरिया में अप्लाई करने के बाद हम करेंगे अच्छे से मसाज। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको समझ में आई हो। अगर किसी भी तरह का डाउट है आपको टेम्प्रेरी नेल एक्सटेंशन में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। आप मेरे चैनल पर शॉर्ट्स भी देख सकते हैं, उस पर भी मैं नेल एक्सटेंशन की क्लासेस दे रही हूँ। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं दे रही हूँ बेसिक टू एडवांस प्रोफेशनल नेल आर्ट कोर्स की क्लासेस। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स में तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें।